नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। बच्चों, केबीएस के विभिन्न पदों के लिए विज्ञप्ति आज ऑफिशियली जारी हो गई है। हालांकि सारी इंफॉर्मेशन वही पहले जैसी है, 5 तारीख से आपकी फॉर्म फिलिंग चालू होगी, 21 दिन का समय दिया जाएगा, 26 आपकी लास्ट डेट होगी और आपकी जो एग्जाम डेट है वो फरवरी माह में संभावित है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी अन्य पोस्टों के लिए जो एएसओ हो गया, जेएससी हो गया, ये सब थोड़े जल्दी करा लिए जाते हैं, ये हो सकता है आपके और पहले हो जाएं। तो आप लोग अपनी से अपनी कमर कस लो और जैसा कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में भी कि निःशुल्क तैयारी आपको शुरू कर देनी है पीआरटी। हाँ बच्चों, पीआरटी पद के लिए जो आपकी प्राइमरी की जो टीचिंग का आपका वैकेंसी है 6400 समथिंग वैकेंसी, उसके लिए टीम परीक्षा प्लस पूर्णतः निशुल्क बैच आप लोगों के लिए लेके आ रही है। 8 दिसंबर से बैच चालू हो जाएगा। इसकी तमाम जानकारी आपको परीक्षा प्लस टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है, या फिर आप हमसे कमेंट करके या कॉल करके भी, नंबर चल रहे उनसे भी पता कर सकते हो। बाकी चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि विज्ञप्ति में क्या नया है, क्या ऐसी इस बार चीजें चेंज हुई हैं। हालांकि चेंज बहुत कुछ नहीं है, जैसा आपका 2018 वाला विज्ञप्ति थी लगभग लगभग वही हो गया। बीच में यह था कि क्या पीआरटी में बीएड वाले नहीं कर पाएंगे, बट बीएड वाले इस बार अलाउ किए गए और विधिवत तरीके से किए गए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा अगर हम देखें तो ये ऑफिसर्स का टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ केंद्रीय विद्यालय का है। इसमें जहां जहां केवीए संगठन है उसके बारे में दिया है, वो छोड़ो, ये पोस्ट के बारे में है, असिस्टेंट कमिश्नर है। हालांकि मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे कम लोग ही इन पद पे रुचि रखते हैं क्योंकि इसमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस मांगता है। तो ये अभी 52 टोटल पद इसमें है, 239 प्रिंसिपल के हैं और वाइस प्रिंसिपल का जो है 203 है। जहां पे आपको विशेष रुचि होती है उस पे आते हैं पीजीटी और पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आप देखना चाहो तो खुद भी अपने उसमें देख सकते हो अपनी कैटेगरी में। बाकी हिंदी के अगर हम टोटल देखें 172, इंग्लिश के 158 और ऐसे देखें तो सबसे ज्यादा आपको मैथ्स में ही देखने को मिलेगा। मैथ्स में मैं आपको पहले ही बता दूं, मैथ्स हो गया, साइंस, कंप्यूटर साइंस हो गया, मैथ्स में आप लोगों की तैयारी के लिए टीम परीक्षा प्लस की तरफ से मैं खुद अपनी एक वीओडी बैच बहुत न्यूनतम शुल्क में, जितना कम हो सकता है उतने में आपको उपलब्ध करा दूंगा। केवल मैथ पीजीटी के लिए बोल रहा हूं, मैथ टीजीटी के लिए बोल रहा हूं, बाकी आपको इसकी जानकारी दी जाएगी कौन सा बैच टीजीटी पीजीटी में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन मैथ टीजीटी के लिए एकदम बेफिक्र रहे, वो आपको वीओडी बैच मिल जाएगा। ऐसे टीजीटी है, टीजीटी में भी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज यहां पे 401 इंग्लिश में देखने को मिल रही है, 426 मैथमेटिक्स, मतलब मैथ्स के टीजीटी पीजीटी दोनों में, और पी एंड एच ई कम्युनिटी में 435 देखने को मिल रहा है। बाकी आप अपने अपने कैटेगरी में टोटल देख लोगे। बैकलॉग वैकेंसी है इसमें इंक्लूडेड, लाइब्रेरियन की आप लोग देख लो 355 पद हैं। प्राइमरी टीचर जो म्यूजिक का है अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे टोटल कितने पद हैं, 303 पद हैं। और भी देख ले, फाइनेंस ऑफिसर के 6 पद हैं, असिस्टेंट इंजीनियर के 2 पद हैं केवल, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के 156 पद हैं, ये आप देख लेना, असिस्टेंट सेक्शन एएसओ जिसके लिए, और उसके बाद ये दोनों पद जिसके लिए आप सबसे ज्यादा परेशान रहते हो। ऐसे बच्चे जो नॉन टीचिंग वाले हैं वो सबसे ज्यादा फेवरेबल पद जो उनका होता है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जेएससी इसे बोला जाता है, और ये भी बहुत अच्छा पद है। अगर देखा जाए इसमें वैकेंसीज भी काफी ज्यादा है, इसको इसको मिला लो तो दोनों मिला के आपका करीबन 1000 वैकेंसीज है, जिसमें इसमें सारे ही बच्चे लगभग अप्लाई कर सकते हैं, बस उनको टाइपिंग आना चाहिए। मंगल फॉन्ट में टाइपिंग पूछता है, इंस्क्रिप्ट में पूछता है, हिंदी इंग्लिश दोनों होनी चाहिए, 35 वर्ड आपकी इंग्लिश होती है, 30 वर्ड आपकी हिंदी होती है, बस बाकी सारी चीजें मैं आपको बता ही दूंगा। स्टेनो का देख लो तो स्टेनो में भी 54 पद हैं। तो ये कितने पद रहे हैं उसके बारे में आपको बता दूं, इसमें इसने क्या किया है कि जो इस बार पीआरटी का है उसकी विज्ञप्ति एकदम अलग कर दिया है, उसमें कुछ चेंजेस अगर होंगे हम उसे देख लेते हैं, उसको भी देख लेंगे। लेकिन हम जो मेन बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा, जहां पे आपको ज्यादा जरूरी है एलिजिबिलिटी वो आपको बता भी दिया गया है। बाकी आपका जो पीजीटी ग्रेजुएट होते हैं ये मैथमेटिक्स और इन सब सब्जेक्ट के लिए हो गया, ठीक है, हाँ, इनको अगर देखा जाए तो पीजीटी जैसे इंग्लिश हिंदी हो गया तो सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएट ये सारे सब्जेक्ट होने चाहिए। हिंदी के लिए कौन से, पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश होना चाहिए, पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी हो या संस्कृत हो विथ हिंदी एज अ सब्जेक्ट हो, फिजिक्स के लिए फिजिक्स वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और अप्लाइड फिजिक्स वाले, न्यूक्लियर फिजिक्स वाले सारे भर सकते हैं, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री वाले केवल भर सकते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स से जैसे बीए वगैरह हो, अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स तीनों लोग इसमें कर सकते हैं, और कॉमर्स में एमकॉम तो होना ही चाहिए। हालांकि अगर
होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। इसमें जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले, इसमें कॉमर्स वाले में, इकोनॉमिक्स वाले में तो हैं लेकिन कॉमर्स वाले में बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले नहीं भर सकते, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में केवल मैथमेटिक्स होना चाहिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए, इसमें कोई बीटेक वूटेक वाले नहीं भर सकते हैं। ऐसे ही आपका पीजीटी वाले में है बॉटनी, जियोलॉजी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, ये सारे भर सकते हैं। पीजीटी हिस्ट्री में जो है वो केवल हिस्ट्री से जो बीए होंगे वही कर पाएंगे, और ज्योग्राफी से जो उनका ग्रेजुएशन है ज्योग्राफी से वो कर पाएंगे। अगर हम पीजीटी कंप्यूटर साइंस में करें तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर साइंस वाले को बहुत अच्छा रिलैक्सेशन होता है इसमें कोई, अच्छा इसमें भी देखो देखा जाए तो कुछ ऐसा दिया नहीं है। इसकी जो अपर एज लिमिट होती है 40 होती है, महिलाओं को 10 साल का रिलैक्सेशन होता है, मतलब कि 40 10 50 तक उनको दिया जाता है पीजीटी में। ये बहुत अच्छी बात है केवीएस की तरफ से। और इसमें होना चाहिए कि एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनिंग कॉलेज, रीजनल कॉलेज होना चाहिए या एनसीईआरटी सब्जेक्टेड, और या फिर मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड, या फिर कोई मास्टर डिग्री इनमें से कोई एक होनी चाहिए, ये बताया है इसके लिए। कंप्यूटर साइंस में अगर आप वही देखोगे तो कंप्यूटर साइंस वाले के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन 50% होना चाहिए, किसमें, बीई बीटेक हो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस या आईटी से अगर बीई बीटेक है, या फिर और डिप्लोमा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इवन आपका कोई बीटेक हो या फिर डिप्लोमा वाला भी हो सकता है, इसके लिए अप्लाई कर सकता है, या बीई बीटेक एनी स्ट्रीम एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड, मतलब कि आप किसी भी स्ट्रीम से, ये बहुत अच्छी बात है कि इस बार जो कंप्यूटर साइंस में है किसी भी स्ट्रीम से आप बीटेक की भर सकते हो, बस आपका क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, पीजीटी सीए जो होता है ना, ये सब आपका होना चाहिए। या फिर आप एमएससी हो कंप्यूटर साइंस से, या एमसीए हो, या किसके इक्विवेलेंट हो, या बीएससी हो कंप्यूटर साइंस से, बीसीए है या इसके इक्विवेलेंट हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो और कंप्यूटर एंड डिप्लोमा इन कंप्यूटर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फॉर्म यूनिवर्सिटी, और या फिर बी लेवल हो या फिर सी लेवल हो डोएक से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी सी लेवल फ्रॉम, ये भी होना चाहिए, बी लेवल सी लेवल, ये ओ लेवल या ट्रिपल सी नहीं होता, ये बी लेवल सी लेवल एक हाइयर कोर्स होता है, जैसे ओ लेवल होता है उसी के ऊपर का होता है, तो वो पीजीटी के लिए भर सकते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए। पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए इतना है, मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें हैं। पोस्ट ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का ये दिया हुआ है, ऐसे ही बाकी आप सारी चीजें देख लेना, ये सारी आपको एक अलग अलग बता दिया जाएगा, ठीक है। एक एक चीज अलग अलग आपको बता दिया जाएगा इसमें। टीजीटी मैथ्स में बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स इन एनी ऑफ द टू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक, कोई भी अगर टीजीटी मैथ में है, अगर बैचलर डिग्री है कंप्यूटर साइंस वाला, वो मैथ से भी भर सकता है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स यहां पे ये होना चाहिए, या फिर इनमें से कोई एक होना चाहिए, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन इनकी है। आगे देख लेते हैं, यहां पे प्राइमरी म्यूजिक टीचर में तो म्यूजिक टीचर वाला आप देख लीजिएगा, अलग से इसमें सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। फिर अगर हम फाइनेंस ऑफिसर का देखें तो इसमें बीकॉम या सी सर आपको बताए हुए हैं, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर का इसमें ग्रेजुएट सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। हिंदी ट्रांसलेटर में मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, और यहाँ पे एसएससी में जो होना चाहिए, यहाँ पे एसेंशियल जो ग्रेजुएट एक्सपीरियंस हो 3 साल का एक्सपीरियंस एलडीसी में होना चाहिए, कम लोगों का होता है। स्टेनो में केवल 12th मांगा है, ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं मांगा है, 80 वर्ड परमिट पे मांगा है, इसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे। ये आप देख लो, इसमें केवल 12th लेवल पे जेएससी जो है ये आपके लिए खासकर वैकेंसी है, इसका कोर्स भी टीम चला रही है, ये बहुत विधिवत वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। 35 इंग्लिश में है, 30 हिंदी में है, वर्किंग नॉलेज हिंदी में, जनरल नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन इतना होना चाहिए, ये रहा है। अपर एज रिलैक्सेशन इसमें नॉन टीचिंग वाले में किसी में नहीं होता है, जो महिलाओं का, जो बाकी तो जो कैटेगरी वाइज होते हैं वैसे होते हैं, जो महिलाओं का 10 साल का अलग से रिलैक्सेशन होता है वो केवल पीआरटी में, टीजीटी पीजीटी मतलब केवल टीचिंग वाले में होता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। हम पीआरटी वालों पे बात कर लेते हैं, उनका एक अलग से, और पीआरटी वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर मैं आपको बता दूं कि टीम जो है आपके लिए, टीम आपके लिए पीआरटी के लिए फ्री कोर्स लेके आई है। आप इस कोर्स को 8 दिसंबर से परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे ही प्राप्त करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी, और ये सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे, परीक्षा प्लस टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहां से आप चैनल से जुड़ जाइए ताकि जब भी इसके बारे में कोई जानकारी हो आपको दे दी जाए। साथ में ही परीक्षा प्लस का ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, तो वहां से भी जानकारी मिल जाएगी। बाकी पीआरटी में हम लोग देखते क्या है कि टोटल जो वैकेंसी है 6414 वैकेंसी है इसमें, और
अगर हम इसमें बात करें तो ये जो क्वालिफिकेशन है तो सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए 50% और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए, या क्या होना चाहिए 12th होना चाहिए और 4 साल का बीएलएड होना चाहिए, या फिर 12th होना चाहिए 50% से और 2 साल का एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन से होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए किससे बीएड से 50% के साथ। तो इनमें से कोई भी है तो ये क्या कर सकते हैं यहां पे इसमें पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले इस बार अप्लाई कर सकते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, यहां पे डिजायरेबल नॉलेज है, कोई कंप्यूटर की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बस वो नॉलेज है, वो आपसे कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछते हैं, उसके लिए परेशान मत होइएगा। एज रिलैक्सेशन सबका अपने साल है, इसके अतिरिक्त 10 साल महिलाओं में लगता है। मतलब आप ऐसे मान के चलो कि अगर यहां पर शेड्यूल्ड कास्ट 5 साल का है तो 5 के अतिरिक्त 10 साल मतलब 15 साल का यहां पे लग जाता है। किसके लिए? पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन और पीआरटी के लिए। ये बहुत अच्छी बात है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी के रूप में ये माना जाता है। बाकी इसका सिलेबस डिस्कशन एक ही चीज यहां पे हम लोग अच्छे से एक एक पॉइंट बता देंगे, लेकिन उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक एक चीज आपको यहां पे पूरा नोटिफिकेशन से जो भी आपके प्रश्न है उसका जवाब मिल सके। और यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो, उसका उत्तर वीडियो के माध्यम से या कमेंट में ही जिस भी प्रकार हो सकता है उस प्रकार से आपको इसका उत्तर दे दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। पीआरटी के लिए मैं दोबारा बता रहा हूं, निशुल्क बैच चल रहा है, टोटली फ्री होगा, पूरे लाइव क्लासेस चलेंगे, कॉन्सेप्ट भी चलेगा, उसमें आपको प्रैक्टिस भी चलेगा, नोट्स भी दे जाएंगे, टेस्ट भी होंगे। समग्र में इतना गारंटी ले रहा हूं कि कोई जितना पैसा लेके कर रहा होगा उससे कई गुना ज्यादा बेहतर क्वालिटी, कई ज्यादा बेहतर क्वांटिटी के साथ बहुत ही विद्वत आपका कम से कम 8 से ज्यादा फैकल्टी उसमें लग के आपका ये बैच कंप्लीट करवाने वाले हैं। इसकी वीडियो भी मैंने अलग से बनाई है, आप उसे देखे होगे तो मुझे पता है कि आप इसे पसंद जरूर करोगे। और अगर वीडियो पसंद आई तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इससे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।